इसके बाद अगले पुरस्कार के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर पाटिल समाधान आसाराम जी को। मिस्टर पाटिल समाधान आसाराम महाराष्ट्र के खानदेश यानी दुलिया शहर से है। इन्हें हम सम्मानित कर रहे हैं भारतीय समाज रत्न पुरस्कार से बेस्ट सोशल अवार्ड, सोशल कैटेगरी अवार्ड। मिस्टर समाधान आसाराम शिंदे एंड पाटिल हाईली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। ही इज अ सोशली एंड पॉलिटिकली वेरी वेल नोन पर्सन अमंग द पीपल इन खानदेश। ही गिव्स हिज सर्विसेज टू ऑल नीडी पीपल लाइक सर्विस ऑफ 108 आई थिंक इट्स एन बीईजी ग्रुप सर्विस, ये उनके इनका योगदान है। ही रिसेंटली गिव्स हिज सर्विसेज लाइक ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशंस मेकिंग राशन कार्ड हेल्प फॉर हैंडीकैप्ड पीपल एंड पीपल हु आर हेल्पिंग इन कोविड-19। ही इंट्रोड्यूस ईच एंड एवरी वेलफेयर स्कीम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिफोर पीपल इन फ्रॉम फेस। तो कोविड के जिस पैंडमिक सिचुएशन में हम अपने घर के दायरे को लांग नहीं सकते थे, उस वक्त अपने परिवार से दूर रह के इन्होंने जो अतुलनीय योगदान दिया है और समाज के बिछड़े वंचित लोगों तक ये जो जो सेवाएँ दे के उन्हें अपने जीवन में अपना हक पाने के लिए मदद कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें सलाम। सो पाटिल साहब, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। लेजेंडर मैन, प्लीज हेल्प मिस्टर पाटिल समाधान आसाराम। समाधान आसाराम शिंदे पाटिल साहब फ्रॉम महाराष्ट्र खानदेश स्टेट से धुले शहर। सामाजिक कार्य का अतुलनीय योगदान। दोस्तों, समाज कार्य करते समय हम रिश्तों को ध्यान में रखते हैं। सर विलियम ने एक बार अपने एक बुक में कहा था, रिलेशनशिप इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरे साथ जितने ज्यादा लोग हैं उतना मैं प्रतिभाशाली हूं। आपकी प्रतिभाशाली या प्रतिभावंत विचार सरणी आपके भीड़ से नहीं बल्कि आपके विचारों से जानी जाती है। तो ही वाज सेड रिलेशंस इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ पीपल बट इट इज अ सिलेक्शन ऑफ हार्ट्स। We need to pull all efforts to hold them in our lifetime. So, मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों को बताने से ज़्यादा निभाने में विश्वास रखे तो बिना कोई परिवार के या बिना कोई खून के रिश्ते से भी हम बहुत अच्छे रिश्ते में बंधन में बंध सकते हैं, जिसे स्नेह प्रेम भावना अपुल की सद्भावना का रिश्ता कहते हैं। और मेरे हिसाब से यही एक रिश्ता आज इस दुनिया में मानवता को कायम रखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो आप सोशल वर्कर बनिए, करोड़ों कमाइए, लाखों कमाइए, दुनिया भर में आपका नाम बने, किंतु आप पहले एक अच्छे इंसान बने, उसके बाद ये सब कुछ बने। तो इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर समाधान पाटिल साहब टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। सर कंग्रेचुलेशन टू मिस्टर पाटिल साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैडम, आपका खूब खूब आभार। मैं मेरी एक कहानी बताता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं धुलिया महाराष्ट्र में जो धुलिया है, धुलिया में एक छोटा सा गांव है जो कुसुमा के बाजू में है, वहीं से मैं रहने वाला हूँ। और जब हमारी परिस्थिति जब 20 साल पहले की, और वहाँ से हम रोजगार धंधे के लिए सूरत गुजरात में आए, जब मैं अभी सूरत से ही आया हूँ इधर, तो फिर हमने रोजगार धंधा अच्छा किया, क्योंकि मेरा पप्पा मेरी मम्मी हमारे भविष्य के लिए चिंतित थे कि वहाँ पे जो सरकार जो भी चल रही थी उस टाइम पे, अभी भी, लेकिन अभी बहुत सारा फर्क है। तो हमने काम वहाँ पे भी किया, लेकिन वहाँ मेरे मम्मी पापा के, जब वो 20 साल 25 साल पहले की बात अलग थी, वहाँ पे हम सूरत गुजरात में आए, तो हमने काम धंधा अच्छा किया। मेरे मम्मी पापाओं ने काम धंधा करने के बाद हमें भी लाइन पर लगा, हमारा शादी भी की, हमारे पढ़ाई शिक्षा भी किया। उनकी जो मेरे अंदर जो क्षमता थी उनकी भावनाओं की, उनको भावनाओं के लेकर के मैं आज भी काम, मेरा खुद का बिजनेस भी है और मैं समाज सेवक भी करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि समाज सेवा करना और उनको कुछ काम नहीं होगा, इसके लिए वो काम, वो ये समाज सेवा करता है, और कुछ बोलते हैं कि ये जो पैसा वाला है ये, इनको टाइम नहीं होता है। मैं यहाँ पे आने के बाद देखा कि बहुत सारे पैसे वाले लोग भी है और बहुत सारे गरीब लोग भी है, इन
इनको जो भी है उनका काम अच्छा किया है और उनको आज जो मेडल मिला है ना वो उनके काम के बदौलत का है। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब हमारी परिस्थिति, मैं जब समाज सेवा मतलब मैं नौकरी करता था सूरत में, तो मैं समाज सेवा था ना, तो मेरे को काम से निकाला जाता था। समाज सेवा के लिए मेरे को काम से निकाला जाता था, लोगों के लिए मैं कहाँ टाइम देता था तो मेरे को काम से निकाला जाता था, मेरा काम धंधा बंद हो गया था। लेकिन मैं जब तो मैं एक हिम्मत से लड़ा कि मैं समाज सेवा करूँगा और काम भी करूँगा, और आज मेरा सूरत गुजरात के अंदर में अच्छा समाज सेवक के हिसाब से नाम भी है और मेरा काम भी अच्छा है। हर एक पेपर न्यूज़ में आता है, टीवी में न्यूज़ में आता है, प्रधानमंत्री योजना की जो भी योजना आती है, पीएम 5 लाख से लेकर 12 लाख तक की मैंने सब लोगों को हेल्प किया है। 7,500 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया है मैंने, उसमें लगभग 1500 से 2200 लोगों का ऑपरेशन किया है वहाँ मेरे हस्त तक, जिसको 5 रुपया तक उसको उसके खीसे में जेब में नहीं था तो उनका ऐसा काम किया है, और जिसको राशन नहीं था उसको राशन भी दिलाया, और जो भी है लॉकडाउन उनके अंदर 90 रोज 1000 लोगों का, मैं एक फाउंडेशन की तरफ से मैं उनको विनती किया, रोज 1000 लोगों का खाना हम बांटते थे, 90 दिन तक बांटा, 90,000 लोगों का खाना बांटा था सर। आज भी वो लोग हमारे चिंतित है, आज भी बोलते कि समाधान भाई आप अच्छे काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी मेरा वीडियो वो लोग देखने के लिए चिंतित है। कब के बोले मेरे को 2-3 फोन भी आया लेकिन मैंने उठाया नहीं। आपको अवार्ड मिल रहा है, आपके फाउंडेशन से अवार्ड मिल रहा है, सुनील भाई से अवार्ड मिल रहा है, पद्मश्री से और मिल रहा है, तो हमें एक फोटो भेजिए कि हम फेसबुक पे और डालेंगे और आपको और प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद, मेरा जो दो शब्द सुना, खूब खूब आभार।